brought to you by ITIL Series. उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। आगामी 17 और 18 फरवरी 2024 को प्रदेश भर में होने वाली 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की निगरानी से लेकर प्रश्न पत्र पहुँचने और परीक्षा के बाद आंसर शीट सुरक्षित पहुँचने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी जिलों के नोडल अफसरों को बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सॉल्वर गैंग और पेपर लीक करने वाली गैंग पर यूपी एसटीएफ नजर बनाए हुए है, क्योंकि यूपी में सॉल्वर गैंग और पेपर लीक मामला सरकार के लिए लगातार सिर का दर्द बनते आया है। इसलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए सरकार की ओर से संबंधित डिपार्टमेंट्स को सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है। सरकार के इस निर्देश के बाद हर एंगल से संबंधित डिपार्टमेंट तैयारियों में लग गया है। भर्ती बोर्ड की डीजी ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और नोडल अफसरों के साथ बैठकर विशेष निर्देश दिए हैं, ताकि एग्जाम स्मूदली हो और किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके। साथ ही साथ ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बांटने में टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी सुचारू रूप से चल रहे हों। सेंटर रूम इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाने से लेकर दूसरी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। अभ्यर्थियों की जाँच और उनकी स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। हर कैंडिडेट की पूरी जाँच और स्कैनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जाए। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कंट्रोल रूम बनाकर मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को प्रश्न पत्र को लाने और आंसर शीट ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के तर्ज पर ट्रैफिक को क्लियर रखने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारी अपने पहचान पत्र के साथ ड्यूटी देंगे। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई भ्रामक पोस्ट या पेपर लीक होने या अन्य कोई तरह की अफवाह न फैलाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक करने वाले और सॉल्वर गैंग पर नजर रखने के लिए जिला पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया गया है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग पर यूपी एसटीएफ पहले से ही नजर रखे थी। सर्विलांस के जरिए उनके नंबर्स को सुना जा रहा था, लेकिन परीक्षा में सेंधमारी के सबूत के साथ पूरे गैंग को दबोच लिया गया। इसी तरह यूपी एसटीएफ पेपर लीक करने वाले दूसरे गैंग्स पर भी नजर बनाए हुए है। वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, लखनऊ की एसटीएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।